अलबेला सजन आयोरी अलबेला सजन आयूरी मूरमनति सुख पायोरी रे सजन आयरि मङ्गल गौ चोकपुरा मङ्गल आ आ आ मंगल गाऊ चौक पुराऊ सकल जगत आनंद छो रे अलबेला सजन आयो अलब Sajana, Sajana, Sajan Sajana, sajan Sajana, sajan Sajana, साजन आयो। नमस्कार मैं हूँ आचार्य समीर करवे अगर आप भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं तो मेरा आज का यह वीडियो आपके लिए है आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या वास्तु का प्रोफेशनल आर्ट से कुछ संबंध है क्या वास्तु के जरिए हम अपनी आर्ट में जो प्रोफेशनल आर्ट है उसमें कुछ लाभ जुड़ा सकते हैं क्या आइए तो देखते हैं वास्तु और प्रोफेशनलिज्म का संबंध या प्रोफेशनल आर्ट का संबंध तो आइए जानते हैं वास्तु और परफॉर्मिंग आर्ट कैसे कनेक्टेड है इसके बारे में क्या आपको मालूम है परफॉर्मिंग आर्ट क्या है जहाँ परफॉर्मेंस कनेक्ट होता है वो परफॉर्मिंग आर्ट है म्यूज़िक है जैसे गायन वादन दोनों कलाएं हैं साथ में नृत्य है और अभिनय भी है जहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं बहुत सारे कलाकार हैं जो अलग अलग लेवल पे परफॉर्म करते रहते हैं हमें मालूम है अमिताभ जी बच्चन हैं जो अभिनय के क्षेत्र में आज सबसे अव्वल स्थान पे हैं, वैसे ही लता जी आशा भोसले ये हैं जो म्यूज़िक के फील्ड में है गायन क्षेत्र में है झाकिर हुसैन साहब हैं जो वादन के क्षेत्र में तबला में हैं और वैसे ही बहुत सारी अलग अलग लेवल पे बिरजू महाराज हैं जैसे बिरू बिरजू महाराज नृत्य के पंडित जाने जाते थे तो ये कलाएं हैं जो अलग अलग प्रकार की हैं: गायन वादन नृत्य और अभिनय मान आपको मालूम है इन लोगों को क्या कहा जाता है इन लोगों को ना गंधर्व कहते हैं गंधर्व का, का काम क्या है गंधर्व नॉर्मली राजा के दरबार में मनोरंजन का काम करते थे उनको एक एक्सपीरियंस दिलाते थे तो क्या आप ये कहीं पर रिलेट कर सकते हो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में हम कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं किसी का म्यूजिक हम सुनते हैं तो हम कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं किसी का डांस हम देखते हैं तब भी हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो ये एक्सपीरियंस क्रिएट करना ये गंधर्व का काम है और ये गंधर्व कौन होते हैं जिनके पास ये कला पूर्ण रूप से साकार होती है किसी गुरु के पास जाके दीक्षा हो के ये लोग इस कला को आत्मसात करते हैं रियाज करते हैं रेगुलर रियाज करते हैं जिससे इनको इनमें एक प्रावीण्य मिलता है रियाज करना किसी भी कला के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि चलो आज कर लिया रियाज़ कल नहीं किया ऐसा करने से नहीं होता है परिपक्वता तभी आती है जब आप रियाज़ रेगुलर करते हो तभी तभी आपका गला अच्छा चलेगा मैं तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही गा लेता हूँ इसके लिए गा लिया लेकिन जो बहुत दिग्गज कलाकार है उनकी मेहनत लगभग आठ आठ दस दस घंटे रियाजों होके होती है <coughs> तो अगर आप ऐसे ही किसी फील्ड से अगर कनेक्टेड हो तो आपको मालूम है कलाकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है <coughs> कलाकार के लिए सबसे जरूरी है सामने बैठे हुए जो प्रेक्षक हैं या जो सामने कम्युनिकेट करने वाला वर्ग है उससे मिलने वाली एक सराहना एक एप्रिसिएशन जब यह एप्रिसिएशन मिलता है तभी कलाकार को उसकी कला का पूर्ण रूप से समाधान मिलता है पैसा वगैरह ये सब दूसरी बात है फीस लेना अलग बात है लेकिन सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन लोगों से मिलता है जब तारीफ होती है वास्तु में कुछ दिशाएं ऐसी हैं जो आपके इस अचीवमेंट के लिए उपयुक्त हैं। उससे भी पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर मैंने आपको बताया वास्तु में वास्तु में भी कुछ गंधर्व है गंधर्व देवता है एक गंधर्व के नाम से है और दूसरे दो हैं सुग्री और पुष्प पुष्पदंत नाम से और भी कुछ गंधर्व है लेकिन मेन जो साउथ में बैठे हुए एक देवता है जिनका नाम गंधर्व है उनका काम ही है परफॉर्म करना अगर किसी परफॉर्मिंग आर्ट करने वाले आर्टिस्ट के घर में इस दिशा में कोई बाधा है तो उसके परफॉर्मेंस में दिक्कतें रहेंगी वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा साथ में साउथ वेस्ट इज द जोन ऑफ स्किल स्किल कहाँ से आता है स्किल सेट मतलब एक मास्टरी है ना तो ये स्किल आता है साउथ वेस्ट दिशा से अगर साउथ वेस्ट दिशा में अगर आपके कोई बाधाएं हैं कोई इम्बेलेंसेस है तो आप परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे ठीक तरीके से मान लो आपको नॉलेज पूरा है लेकिन वो स्किल डिलीवर करने में आपको तकलीफ होगी साउथ South के साउथ वेस्ट के अगले वाला एक जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट पश्चिम दक्षिण पश्चिम जो आपको नोहाव देता है ज्ञान देता है किसके बारे में जो आप आर्ट परफॉर्म कर रहे हो उस परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में आपको नॉलेज देता है अगर इस दिशा में टॉयलेट है तो अच्छी तरह से नॉलेज ही नहीं गेन कर पाओगे अगर नॉलेज नहीं गेन किया तो परफॉर्म करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है रियाज कर रहे हो अच्छी तरीके से फिर भी डिलीवर नहीं हो पा रहा है कुछ तो वजह होगी दूसरा रियाज रेगुलर कर रहे हो लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है मौका किस चीज़ का परफॉर्म करने का तो परफॉर्म करने का मौका आता है आपको महावस्तु की एक दिशा है उत्तर दिशा उधर से अगर उत्तर दिशा में कोई इम्बेलेंस है मान लीजिए कोई रेड कलर है लाल रंग है कोई अगर कोई टॉयलेट है बर्नर है तो आपको दिक्कतें होंगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज होगा तब भी आपको सामने से अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी और परफॉर्मिंग आर्ट में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है मालूम है आइडियाज़ जो अचानक डिलीवर हो जाती है जैसे गाने में हरकती होती है अलग अलग हरकतें ली जाती हैं मुरकी होती है तो इन मुर्गियाँ कहाँ से आती है अपने आप अप तो गले से नहीं उतरती है ना प्रैक्टिस से आती है ठीक है लेकिन कभी कभार ऐसे होता है हम जो गाते हैं वो हमेशा सेम नहीं होता है आज जो गाया वो कल अलग होगा उसका एक मूड अलग अलग हो जाता है उसमें डिलीवरी अलग होती है वो आती है ईशान्य कोण से क्योंकि कुछ सिक्स सेंस से आइडियाज़ आ जाती है जो ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाती है और आप अचानक से सोचते हो अरे ये तो मैंने कभी गाया नहीं था ऐसे तो कभी मैंने डायलॉग मारा नहीं था ऐसे तो कभी डांस नहीं किया था आज अचानक से कैसे हो गया तो वो आता है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से अगर नॉर्थ ईस्ट की दिशा संतुलित है तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे और साथ में मनोरंजन अगर आप गाना या वादन या मान लीजिए अभिनय के खुद के मनोरंजन के लिए कर रहे हो तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा है जो मनोरंजन की कारक दिशा है अगर इस दिशा में कुछ इम्बैलेंस है तो लोगों को आप आनंद भी नहीं दे पाओगे इसका मूल पर्पस क्या है म्यूज़िक डांस अभिनय और नृत्य इसका पर्पस है आनंद देना अगर इससे आनंद किसी को नहीं मिलेगा तो वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा उसको और जब तक एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा वो क्रिएटिविटी आपकी दिखेगी नहीं और आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी नहीं तो आपको अचीवमेंट मिलेगी नहीं सिर्फ रियाज़ करने से अगर काम हो जाता तो बहुत सारे लोग आज कलाकार होते हैं और नामचीन कलाकार होते हैं। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो मास्टर्स हैं लेकिन लोगों के सामने आए नहीं हैं क्या आप किसी ऐसी तकलीफ के साथ जूझ रहे हो आप देखिए जैसे मैंने आपको बताया साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इन दिशाओं में कोई इम्बैलेंसेस हैं अगर आपके घर में इन दिशाओं में कोई इम्बैलेंसेस हैं तो इनसे आपको तकलीफ होने की संभावना रहती है आपकी इस विषय में प्रोग्रेस अच्छी नहीं हो सकती है आपको और ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए या इनके बारे में कोई आपको समाधान चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं और साथ में और जो अधिक महावस्तु आचार्य हैं उनके पास भी आप जाके समाधान ले सकते हो तो आपको ये वीडियो कैसे लगा एक अलग वीडियो है जो प्रोफेशनल्स के लिए है अगर आपको कहीं पे कनेक्ट हो रहा है तो आप जरूर बताइए धन्यवाद यू ऑल द वेरी बेस्ट कीप परफॉर्मिंग और रियाज रेगुलर करते रहिए धन्यवाद